मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अटैच विद कायद कोट लखपत लाहौर। स्टेम कंपटीशन के लिए हमने जो एरिया सिलेक्ट किया है वो है एनवायरनमेंट और हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सारे ही जानते हैं कि हमारे इलाकों में डस्टबिन भर जाती हैं और उनसे जब कूड़ा बाहर गिरता है तो उससे डिफरेंट डिजीज़ का रिस्क होता है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक स्मार्ट डस्टबिन डिज़ाइन की है और जिसमें हमने एक LDR, एक सेंसर और कुछ कैपेसिटर्स को मिला के एक सर्किट बनाया और उसे स्मार्ट डस्टबिन में फिक्स कर दिया है, जिससे एक स्पेशल मिकदार और एक स्पेशल वेट तक जब भी कूड़ा भर जाएगा तो म्यूनसिपल ऑफिस में थ्रू सिग्नल बजर बजेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि ये डस्टबिन भर चुकी है। जैसे ये डस्टबिन भर चुकी है और उन्हें पता चल जाएगा कि ये डस्टबिन भर गई है और वो अपनी गाड़ी भेजेंगे और वो उस डस्टबिन को खाली करके ट्रांसफ़र स्टेशन तक ले जाएगा। ट्रांसफ़र स्टेशन में आगे हम इस गार्बेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो रिसाइकलेबल मटेरियल्स को हम रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाएंगे, जिसमें हम गत्ता और ग्लास प्लास्टिक वगैरह को रिसाइकल करके उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन गार्बेज को हम मैन्योर प्लांट में ले जाएंगे, जिसमें हम फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाएंगे और उससे हमारे जो खेत हैं वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएंगे। रिमेनिंग वेस्ट जो है उसे हम पावर हाउस में ले जाएंगे और उसको हम जलाकर स्टीम बनाएंगे, जिससे हम बिजली वगैरह जनरेट कर सकते हैं।